हेलो गाइस, तो हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट वन देखा था, तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू। और वेरी वेरी वेलकम आप सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेके आई हूँ, तो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया गया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को तुरंत ही तुरंत। तो आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू। कल हमने क्या देखा था कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, आज हम देखेंगे कि उन रूट्स को लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं मात्र 10 से 12 सेकंड्स के अंदर। मतलब बहुत सारे बच्चे रूट्स निकालते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में वो पॉइंट करने में, मतलब उसको टाइम लाइन पे मार्क करने में गलती कर देते हैं, जहां से उनका ये दिक्कत हो जाती है कि वो समझ नहीं पाते कौन बड़ा है कौन छोटा है, लास्ट में आंसर मार्क कर देते हैं। तो वही नंबर, तो वही माइनस का 0.5 2.25 ही मिलने वाला है उसको, क्योंकि एग्जामिनर ये देखने नहीं आता कि आपने कितनी मेहनत करी है, एग्जामिनर ये देखने आता है कि लास्ट में आंसर निकला या नहीं निकला, ठीक है। तो आज हम वो देखेंगे। तो आप सभी से मैं यही बोलूंगी कि रिकॉर्डेड क्लास जरूर है, पर बिल्कुल डेडिकेटेड क्लासेस हैं, और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, जिससे कि आपका कम से कम टाइम की बर्बादी हो और आप क्वेश्चंस लगाएं। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चन लगाने जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं 4 क्वेश्चन लगाने से आपको आ गया, तो गलत समझते हैं। 4 क्वेश्चन लगाने से आपको आ जरूर जाएगा, पर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी। स्पीड के लिए आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाने जरूरी है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सभी लोग डेली क्लास में क्वेश्चंस लगाते चले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखूंगी सबसे पहले। सबसे पहले कल सिंबल्स में मिस्टेक होगी, तो ध्यान दीजिएगा, कल मैं सिंबल्स लिखे थे उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये था सिंबल्स एक्चुअली में, ये थे। बात ये थी, ये तो सब कुछ सेम लिखा था, हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया था। बात ये थी, हमें प्लस माइनस यहाँ लिखना था, प्लस माइनस माइनस इधर लिखना था, फिर ये इसका रिवर्स जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा, आखिरी में दोनों माइनस होंगे और बीच में आपके प्लस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी, केवल आपके जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से बनेगा। और आपको ये भी मैंने बोला था, जब भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करोगे उससे पहले ही इस टेबल को बना लोगे, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 = 0। इसकी दूसरी क्वेश्चन ली मैंने, वाई स्क्वायर माइनस का 13y प्लस का 40 = 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, मैंने क्या बोला था, यहाँ तो 1 है, क्या करेंगे, 1 × 3 कितना हो गया, 3। अब इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे, जिससे कि प्लस करने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस करने पे 4 आ जाए, 3 और 1। मैंने ये क्यों नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो उधर लिखेंगे, छोटा होगा उसे इधर लिखेंगे, 3 और 1 दोनों को प्लस करने पर आपका 4 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 1 × 4 = 40 हो गया, 40 को दो पार्ट में बांटिए, 8 × 5 = 40, बड़ा यहाँ छोटा यहाँ, प्लस करने पर 13 आ जाएगा आपका आंसर। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, माइनस प्लस का मतलब होता है प्लस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना, नंबर लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, +3 + 1, मान लीजिए +3 इधर है और मान लीजिए +1 इधर है, +1 + 3। अब देखिए +8 + 5, प्लस का 8 3 से आगे ही आएगा, प्लस का 8 मान लीजिए यहाँ आएगा, और प्लस का 5 भी आगे ही आएगा, तो प्लस का 5 आगे आ गया। देखना, अब समझने वाली बात क्या है, जो x की वैल्यू थी वो ये है, y की वैल्यू ये है। अगर आपको दिख रहा होगा कि y की दोनों वैल्यूज x की दोनों वैल्यू से ऊपर है, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो आगे है x की वैल्यू से, सारी वैल्यूज, दोनों ही वैल्यूज इन दोनों से ही आगे हैं, तो क्या हो जाएगा, y greater than x। अभी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी अच्छे समझ में नहीं आया होगा, एक और सवाल देखते हैं और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, देखिएगा, एक और सवाल देखिए, सवाल देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 = 0, वाई स्क्वायर माइनस का 5x
y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सवाल दूसरा ये रहा, सेम वही 1 इनटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 को डिवाइड किया 2 और 1 प्लस करने पे 3 आ गया। सेम ऐसे ही 1 इनटू 6 6 हो गया, 6 को दो पार्ट में डिवाइड किया 3 2 है 6, तीनों दो को प्लस करने पे 5 आ गया। माइनस प्लस का मतलब होता है प्लस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। अब क्या करेंगे, सेम यही चीज, सेम यही नंबर लाइन बनाई, 1 और 2 प्लस 2 इधर है, प्लस का 1 इधर है, 3 और 2 देखो प्लस का 3 इधर है, प्लस का 2 यही है। अब देखिए ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो y की वैल्यू है वो बड़ी तो है ही, देखो 3 और 2 बड़ा तो है ही, लेकिन बराबर भी है, एक वैल्यू बराबर भी है, छोटी कोई नहीं है। देखो याद क्या रखनी है, छोटी नहीं होनी चाहिए, या तो बड़ा बराबर हो या उससे आगे हो। तो क्या है, y जो है वो या तो बड़ा है उससे, y या तो बड़ा है या बराबर है, y या तो बड़ा है या फिर बराबर है। आई बात समझ में, y या तो बराबर है या फिर उससे बड़ा है। एक और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, देखो ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन मैक्सिमम 90% बच्चे इसी में गलती करते हैं। एक और सवाल देखिए इसमें का ही, एक सवाल और देखिएगा इसका ही, समझना है सवाल को। अगला सवाल, 6x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 6y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या है, 6 2 जा 12 हो गया, 12 12 का 4 3 12 4 और 3, 4 और 3 को मिला के 7 बन रहा है, बिल्कुल सही है। पर रूट कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 6 भी करेंगे, दिखाया सिखाया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 6 0.6 के आसपास, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, 6 2 जा 12 हो गया, 12 को काटा 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ माइनस करेंगे इन दोनों को, ये दोनों माइनस करके आ रहा है, ये दोनों प्लस करके ये वैल्यू आ रही है, पर ये नहीं होगी, डिवाइड बाय 6 भी करना पड़ेगा, ये वही 0.6 आ जाएगा, ये वही 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस मतलब दोनों प्लस प्लस वैल्यूज है, प्लस माइनस, प्लस माइनस को ना एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है। अब देखो रूट्स में फर्क आ गया, रूट्स में फर्क आ गया, अब देखना प्लस का 0.5 मान लीजिए, प्लस का 0.5 इधर है, प्लस का 0.6 आगे ही होगा, प्लस का 0.6 इधर है, ये x की वैल्यू हो गई। y की देखिए, प्लस का 0.5 ये रहा, माइनस का 0.6 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखना जरा आगे कौन सा है, जो x है वो आगे है, x की दोनों वैल्यू आगे हैं या फिर बराबर है। तो क्या आएगा आंसर, x की वैल्यूज या तो बराबर हैं या फिर आगे हैं। क्या है, x की वैल्यूज या तो बराबर है या फिर आगे हैं, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। आई बात समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ रही हो किस प्रकार से हम कर रहे हैं। हमें केवल देखना यह है कि दोनों वैल्यूज या तो पूरी ही आगे हो, या तो पूरी ही आगे हो, बराबर भी हैं। अगर बराबर भी है तो देखो, अगर मान लो बाय चांस, अगर मान लो बाय चांस की बात है, अगर रूट कैसे आता, एक रूट आता, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रही हूं, केवल मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, देखना। अगर मान लीजिए एक रूट होता इस तरह से, टू है और एक आपका थ्री हो जाता, दूसरा रूट क्या होता, फाइव और टू। मान लीजिए एक्स का रूट है 2.3, वाई का रूट है 2.5। अब जरा सोच के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता। आपको रूट्स निकालने तो आ चुके होंगे, अब मेन दिक्कत आती है प्लॉट करने पे, देखिएगा। अब ये देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे आगे तो है, आगे भी और बराबर भी है, तो क्या लिख दूं मैं, ये क्या है, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, क्या ये सही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है हमेशा से ही, जो जिस वैल्यू को हम बड़ा मान रहे हैं, हमने y को बड़ा माना है, तो y की कोई भी वैल्यू किसी से छोटी ना हो। y की वैल्यू जो 2 है वो 3 से छोटी है, छोटा हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बड़ा है तो सबसे ही बड़ा है, अगर नहीं है तो नहीं है, बात ये है। तो यहाँ क्या होगा, कैन नॉट बी सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बात याद रखिएगा। अगर मान लीजिए रूट्स को इस प्रकार से बनते, अगर आपके रूट्स को इस प्रकार से बनते कि मान लीजिए पॉइंट का 0.5 इधर है, पॉइंट का 2 इधर है, ठीक है, एक आता यहाँ पे 0 इधर आता और एक आपका 1 इधर आता, 0 और 1। देखना x के वैल्यू मान लीजिए 0 और 1 है, और y की वैल्यू मान लीजिए माइनस का 0.5 और 2 है, बताइए अब कैसे बनेगा, सोचिए जरा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हैं, ये दोनों वैल्यूज आपकी ये रही,
अब आप लोग बोलोगे ये तो बड़ा तो है ही, क्या दिक्कत है, ये बड़ा तो हो गया ना, पर नहीं, अगर वैल्यूज बड़ी हैं तो दोनों ही बड़ी होनी चाहिए, अगर वैल्यूज बड़ी हैं दोनों ही बड़ी होनी चाहिए, आज बराबर चल जाएगा, बड़ी हो या बराबर चल जाएगा, पर किसी से छोटा होना बर्दाश्त नहीं होगा। टू बड़ा है सही है, पर हम इसको छोटा छोड़ देंगे, ये भी तो इसी का हिस्सा है, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो लेकिन ये तो इनसे छोटा है, छोटा बर्दाश्त नहीं होगा चाहे बड़ा बर्दाश्त हो जाए। इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब भी डम्बल लाइन प्लॉट करें इस बात को बहुत ध्यान से देखनी है आपको, ये बात समझ में आई। एक एग्जांपल लॉ लेती हूं, अगर मान लीजिए रूट्स कैसे आए, मान लीजिए रूट्स इस प्रकार से आई, जीरो माइनस का 0.25, ठीक है, 0.5 वन और टू, सॉरी टू और फोर, मान लीजिए वैल्यूज ये हैं, x की वैल्यू अगर 2.4 है, y की वैल्यूज अगर माइनस का 0.25 और 5 है, अगर वैल्यूज ये कैसे करेंगे, इसे बताइए कैसे करेंगे, इस समय देखिएगा, अगर आप बोलेंगे कि भाई ये वाली वैल्यू मतलब x बड़ा है y से, तो ये भी गलत होगा। अगर आप केवल इसको देख के बोल रहे हैं कि x बड़ा है y से तो गलत होगा, अगर आप देखेंगे x को तो पूरा कंबाइन देखेंगे कि ये दोनों ही बड़ा होना चाहिए, ये दोनों ही बड़े होने चाहिए, या फिर बराबर चल जाएगा, बराबर का मतलब बराबर चल जाएगा, लेकिन किसी से छोटा होना ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो बड़ा है तो बड़ा होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, सी एन डी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर वैल्यू यहाँ पे 0.5 होती, अगर यहाँ पे वैल्यू आती तो चल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आई बात समझ में। तो एग्जाम्पल तो समझिएगा कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं कहां तक, यहां तक लास्ट तक पहुंच जाते हैं, पर वो टाइमलाइन पे नहीं डिनोट कर पाते, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कैसे हम टाइमलाइन पे डिनोट करते हैं किसी भी इक्वेशन को, ये बहुत जरूरी है अगर आपको क्वालिटी इक्वेशन समझनी है और 5 नंबर लेके आने हैं। 5 मार्क्स का सवाल है, 1-2 मार्क्स का भी नहीं है, 5 मार्क्स के लिए आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अब आपको क्या करना है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आप टाइमलाइन पे आप डिनोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते, और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे सवाल हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, क्योंकि देखो ये केवल और कमेंट्स के थ्रू ही मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगी। अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, एक वीडियो और लेके आओ, तो क्वालिटी की मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगी, वरना टॉपिक खत्म करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही अच्छा आपको भी लगेगा, उतना ही अच्छा मुझे लगेगा। तो आप इस वीडियो को इतना हो सके उतना फैलाइए अपने दोस्तों को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कम से कम समय में कैसे हम किसी भी इक्वेशन को टाइमलाइन में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट डे 7 PM, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, शेयर करना मत भूलेगा आप सभी लोग, जो नए बच्चे जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। ऐसी और भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आपको शाम को 7 बजे, याद रखिएगा टाइमिंग, शाम को 7 बजे डेली आपको ये वीडियो मिला करेंगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, और हैव अ गुड डे, बाय बाय।